अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अलीनास कुकिंग यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे चिकन स्टिक इक्का। लिया है बोनलेस चिकन, उसको इस तरह से थोड़े बड़े टुकड़ों में रख दिया है। उसमें हम डाल देंगे काली मिर्चों की पाउडर, नमक, रेड चिली पाउडर, और उसी के साथ हम डाल देंगे इसके अंदर अभी ग्रीन चिली और हरा धनिया पिसा हुआ। ग्रीन चिली और हरा धनिया को पीस के मैंने लिया है, वो डाल दिए। जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे यहाँ पर, और इन तमाम चीज़ों को पहले हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अभी इसी के अंदर हम थिक योगर्ट डालेंगे, यानी गाढ़ा वाला दही डालेंगे। दही डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने यूज़ किया है ग्रीन फूड कलर, आप ऑप्शनली है, आप यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर सकते हो। एक डालने के बाद इसको एक अलग ही अच्छा कलर आ जाता है, मैरिनेशन अच्छा चढ़ जाए, इसीलिए हम इसको आधा घंटा कम से कम मैरिनेट करके रख देंगे। ये देखिए, आधे घंटे के बाद अच्छी तरह से एक मैरिनेशन इसके ऊपर चढ़ जाता है। अब यहाँ मैंने लिया है, मैंने वुडन स्टिक ली है इस तरह से, उसके ऊपर हम इसको इस तरह से लगा देंगे। बोटी ज़्यादा छोटी नहीं करेंगे, क्योंकि फिर एकदम छोटी होने के बाद वो बहुत ज़्यादा पकने के बाद एकदम ही छोटी हो जाएगी। इसी तरह से इसलिए मीडियम साइज़ में हमने इसकी चिकन की पीसेस को रखना है, ज़्यादा उसको छोटा नहीं करना है। ये देखिए, इस तरह से हम लगा लेंगे, मैरिनेट करके हम इसको रखते हैं ना तो ये थोड़ी टेंडर हो जाती है, इसीलिए इसको थोड़ी देर मैरिनेट करके ज़रूर रखिए। ये देखिए, इस तरह से हमने तमाम बनाकर तैयार कर लिए हैं। अभी हम इसके ऊपर एक मसाला जो बनाने वाले हैं उससे ये बहुत ज़्यादा यम्मी लगती है, इसीलिए तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है बटर। उसके अंदर हम डाल देंगे गार्लिक चॉप की हुई, और चॉप की हुई गार्लिक के बाद थोड़ा सा देर हम उसको 10 सेकंड सॉटे करेंगे। उसके अखे काजू डाले हैं मैंने, उसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। फिर शेज़वान चटनी डालेंगे, फिर इसमें भी हम थोड़ा सा ग्रीन थोड़ा आना चाहिए, और उसके बाद इसको थोड़ा अच्छी तरह से हमने स्लो फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। उसके अंदर थोड़ा सा हम ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे, यानी काली मिर्च की पाउडर डाल दिए हमने इसके अंदर। ये देखिए, इसके ऊपर का मसाला हमारा बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए हम पहले इसको ग्रिल कर लेते हैं। यहाँ मैंने ग्रिल पैन लिया है, उसमें ऑयल डाला है, उसको शेलो फ्राई कर लेंगे। शेलो फ्राई करने के लिए इसको हमने अच्छी तरह से डाल कर स्लो फ्लेम पर शेलो फ्राई करना है, क्योंकि चिकन कच्चा है तो एकदम फटाक से टर्न आउट करेंगे तो नहीं हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके इसको अल्टी पल्टी करके अच्छी तरह से हमने इसको शेलो फ्राई करना है। इसलिए ज़्यादा भी बड़ी बोटी नहीं रखनी है और छोटी भी बोटी नहीं रखनी है, मीडियम साइज़ के पीसेस हमने इसके बनाने हैं तो बड़े अच्छे बनते हैं ये। चिकन इक्का के ऊपर जो ये मसाला बनता है ना, उससे ज़्यादा ये टेस्टी लगता है, इसलिए चिकन इक्का का जब भी आप बनाओगे ना तो इस पर ये मसाला ज़रूर बनाइए, इससे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है ये रेसिपी। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, बिल्कुल ट्राई कीजिए आप।